पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने यह एक्शन लिया है। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किए हैं। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपये पार्थ चटर्जी के ही हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपये रखने के लिए कर, मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतने सारा कैश रखा होगा। इसके पहले पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से करोड़ों रुपये के कैश और ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में ही पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग होने लगी थी। गुरुवार को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया। पार्थ पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा, पूरे मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए हैं। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त पार्टी है, इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं कर सकती। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी सबसे सीनियर मंत्री थे। वो दक्षिण 24 परगना के बेहला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी 2011 से लगातार मंत्री थे। 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ के पास वर्तमान में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय कार्य जैसे बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। अभिषेक बनर्जी ने आज शाम अनुशासक समिति की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि पार्थ से महासचिव का पद भी छीना जा सकता है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मांग की थी कि पार्थ चटर्जी को पूरे जांच होने तक सभी पदों से हटाया जाए। घोष ने कहा कि अगर ममता देवी को मेरा बयान गलत लग रहा है तो मुझे भी हटा दे। घोष तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बुधवार को टीटागंज के बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि मीडिया कंगारू अदालत की भूमिका निभा रही है, हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप निश्चित रहें, बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी, ये महाराष्ट्र नहीं है। ईडी अधिकारियों ने कहा, इससे पहले कभी अर्पिता ने नहीं बताया था कि उसके दूसरे फ्लैट पर भी कैश रखे हुए हैं, लेकिन जब हमने घर पे छापा मारा तो हमें 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। 2000 रुपए के नोटों में 50 लाख रुपए का बंडल और 500 रुपए के नोटों में 20 लाख रुपए का बंडल मिले। हमें 4.31 करोड़ रुपए का सोना भी मिला। इनमें एक एक किलो के 3 सोने की ईंटें, 6 कंगन, सभी 500-500 ग्राम के थे और 1 सोने का पेन भी मिला। ईडी सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली है जिसमें लेनदेन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर 2600 पेज की एक दस्तावेज भी बरामद किया है जिसमें पार्थ और अर्पिता के ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी ने बुधवार को ही पार्थ और अर्पिता के करीबियों के ठिकाने पर भी छापे मारे थे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडंगा में भी ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची थी। अर्पिता के जिस घर से कैश मिला वो बेलघरिया में है। अब तक अर्पिता के दोनों घरों पर 44 घंटे की रेड हो चुकी है जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट में से एक को सील कर दिया है। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी का नोटिस भी चस्पा है जिसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।